इतना पहली ट्रॉफी जीत गया तू, मुबारक। मैंने लास्ट ओवर से पहले बज्जी बाजी को बोला, बाजी प्लीज मुझे ट्रॉफी जितवा देना, मैं आज तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीता। अब शुरुआत हो गई है, तेरी पहली ट्रॉफी आ गई, उसके बाद लाइन लग जाएगी। बाजी आशीर्वाद पाजी, बहुत सारा प्यार, बस ऐसे ही प्यार, बस ऐसे ही अब जीतते रहना है। लेट्स गो। फोन कट देने देने नहीं हो, कट दी है रात, रंजा चला तेरे पीछे, बस मांगे तेरा साथ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, नहीं न्यू किचन। कल मैंने किचन बनाई थी अभिषेक के रूम में, क्योंकि वो घर पे नहीं था। रात को वो घर आ गया वापस, और आज मेरी किचन ड्राइंग रूम में शिफ्ट हो गई है। ये देखो पूरा सामान, प्लेट्स, खाने का मतलब पूरा सामान मैंने यहाँ पे प्लेस करा हुआ है। देखो खिड़की में भी सामान पड़ा है, यहाँ टेबल पे सब्जियाँ कट हो रही हैं, और सारा मतलब पूरा सामान मैंने यहाँ रख दिया है। और अभिषेक मेरे को कह रहा है कि क्या ज़रूरत है इतना आप सब करने की, क्यों टेंशन ले रहे हो, बाज़ार से खा लेंगे। तो मैंने कहा नहीं, कितने दिन हम बाज़ार का खाएंगे, क्योंकि अभी किचन को तो पता नहीं कितना टाइम लगना है। अभी तो प्लास्टर शुरू होना है, उसके बाद पता नहीं अभी कितने और दिन लगने हैं। वेलकम टू होम। ऐसा लग रहा है कितने दिन बाद यहाँ उठा हूँ। और अब ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्या सीन है, ये बस पता नहीं क्या है। जगह जहाँ हाथ लगा रहा हूँ ना, मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी मिट्टी, यस, ये भी मैंने मिट्टी मिट्टी हो रखी है। हेलो गाइस, तो आज हम आ गए हैं क्रिकेट खेलने, वो भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ, और बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। क्रिएटर्स को दिखाने का मेरा मन बहुत ज़्यादा कर रहा है, पर सारे बिजी है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास सबसे पहले कौन है, अरे कैसन बा, कैसन बा डांस तो करके दिखा दे एक बार। अभी करेंगे ना, जब अपील करेंगे आप में। क्या हाल है विराज भाई? नहीं नहीं आप हाँ थोड़ा दूर से बात कर भालो। चल बे, आपकी आप बॉलिंग करते हो कैप्टन, आप बॉलिंग करते हो बीच में बात करो, अरे बॉलिंग करते हो, स्टार प्लेयर है हमारा। अरे ये तो मेरे खुद का कैप्टन है भाई, सेम टीम में है। ओ सॉरी, सेम टीम है भाई, गद्दार है, सॉरी सेम टीम में है। पैसे हाइट बढ़ाया कि तू कुछ किया है? कुछ नहीं यार, वही हाइट है। अरे वर्कआउट कर रहा है मैं 1 फीट, वो जूता हमारे ट्रेनर की रील आते रहती है मेरे को, रील डे 37 ऑफ ट्रेनिंग को करा इंसान। टुडे वी आर डूइंग भाई सेम, वो बेचारा फिर भी बॉडी नहीं बनवा पाता, वो बॉडी बनवाता मैं जाके पिज्जा खा लेता। बट स्काउट भाई मेरे को एक चीज़ याद है, जब हम लास्ट टाइम प्लेग्राउंड में मिले थे तो हमने एक चैलेंज किया था, क्या कि बॉडी किसकी पहले बनेगी, बनी दोनों की नहीं बनी, दोनों की नहीं बनी। यहाँ पर मेरा ट्रेनर हर्ट हो गया। नहीं यार वो सीन ऐसा होता है ना कि ट्रेनर तो मेहनत करता है, उसके बाद जब ट्रेनर नहीं रहता है वहाँ पर होता है कि भाई थोड़ा खाना कंट्रोल करना, वो ना लग रहा है। अच्छी लग रहा है बिग बॉस की रहती है, कैमरा देख साथ भाई। बोलो कैसा लगता होगा श्रीशांत को हरभजन के साथ खेलते हुए? अरे देखो मैं कैमरा में नहीं बोल सकता। तो गाइस अभी यहाँ पर पैनल डिस्कशन चालू होने वाली है, और वहाँ पर सामने बैठे हैं क्रिकेटर्स मुरली विजय भाई, प्रवीण कुमार, मिचेल मैकलगन, स्मिथ भाई, स्टीवन स्मिथ, श्रीशांत भाई, वरुण भाई, विराज भाई ने तो मैच फिक्सिंग चालू कर दी, सट्टा लग चुका है, कह रहे भाई अंपायर ले लूंगा। और आज के कितने रन से जीतेंगे हम? 5 ओवर का मैच है, 2 इनिंग्स होने वाली है, वहां पर तो कोई है ही नहीं प्लेयर भाई। मेरे को चैलेंज बताओ, थगेश पर मैं बॉल देते हूं मारने, मुझे थगेश पता मैच से पहले होता क्या करता थगेश, कह रहा है मैं ना बहुत अच्छी फास्ट बॉलिंग करता हूं। कौन थगेश? अच्छा आपकी टीम का कैप्टन? अच्छा मेरी टीम है, ये मेरी टीम के लिए, ये यहां पर हमारी स्ट्रेटजी सुन रहे सुनने आ रहे हैं, तुम्हारा अपने तुम्हारे दिल्ली वाले लोगों को कोच करने आया था। सुनो तो तुम्हारा कैप्टन पता क्या कह रहा था, कह रहा मैं फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी करता हूं, यहां पर तो अंडर आर्म करनी है यार। पता है मेरे को अंडर आर्म, मेरे को भी नहीं डालनी आती अंडर आर्म, ऐसे भट्टा डाल सकते हैं हाथ में, भट्टा डालो, भट्टा डालेंगे। वैसे मैं अगेंस्ट हूँ इन सब चीज़ों के, मैं ये अनएथिकल है, ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ है, हम हाथ घुमा के भाग के डालने वाले लोग हैं। ये तुम लोग मुंबई से खेलते हो ना अंडर आर्म क्रिकेट? मेरे को नहीं, मुंबई में अपना, मैं दिल्ली का हूँ। अच्छा, दिल्ली तो पता नहीं था कि ये है, अगर ये होता तो मैं शायद सोचता कि भाई मैंने बॉम्बे में देखा यार अंडर आर्म खेलते हो, इतना अंडर आर्म खेलता है बहुत ज़्यादा, तो ही तो मेरे को वही आता है। और ये ऐसे बॉल डालनी है, ऐसे कैसे डालेंगे? इरफान पठान ने हेयर इतना सब हमारे को जर्सी दे दी है, और भाई तुम क्यों यही उतार दो ना भाई, भाई नहीं यार बॉडी क्यों बनाई है? नहीं भाई तू बनाई है बॉडी, भाई तू जाके आया वहां पे उतारो भाई। मैं तो भाई अभी मेरा रिजल्ट देखो, मैं अभी रिजल्ट नहीं है भाई, अभी बहुत कुछ है इसके अंदर, तो धीरे-धीरे जाएगा, ऐसा फिट हो जाऊंगा ना मैं जिस दिन भाई पेट के सामने पेट अंदर करके खड़ा हो और ब्लॉग बन करेगा। क्या लगता है कौन जीतेगा भाई? मेरे को लगता है कि पुकरा इंसान हाईएस्ट रन स्कोरर होगा। ओ भाई साहब ये तो हवा में चढ़ा दिया, ये देखो मुंबई इंडियन फैन, येलो पहन रहा हूँ मैं हर चीज में, मुंबई येलो पहन रहा हूँ मैं तो रेड में, और तुम मुंबई के फैन हो के चेन्नई के कपड़े पहन रहे हो,
वो बिचारे वो लोग को भी जीतने का मौका देना चाहिए ना मेरे को। मैंने क्रिकेट जमाने से नहीं खेला है बट बचपन में खेलता था अच्छा था बैटिंग कर लेता था देखेंगे आज चलो लेट्स सी कौन कैसे खेलता है। कपड़े चेंज करते हैं और रेडी हो जाते हैं मैच के लिए लेट्स गो। यहाँ पर आके पोपट हो गया अब पता चला कि यहाँ पर अंडर आर्म बॉलिंग है। अब अंडर आर्म ये तो खेलते हैं बच्चे खेलते हैं यार नहीं यार मेरे को अंडर आर्म नहीं खेलनी मुझे पसंद नहीं अंडर आर्म खेलना। देखो चीयर लीडर्स भी आ गई वो अरे स्काउट भाई चीयर लीडर्स को देख के बहुत खुश हो रहा हूं। अरे मैं वहां थोड़ी हाय बोल रहा हूं डग आउट में जाना है हमारे को। और हेलो भाई भाई अंडर आर्म बॉलिंग करते हो भाई अंडर आर्म खेलना पड़ेगा भाई ये अलग ही चीज हो रही है। ताकि वैसे अभी तो ये फेयर कॉन्टेस्ट है तो ये बॉल में वी विल नॉट डू इट मिला दर्द से क्या गिला इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है। राकेश भाई, हाँ भाई मेरी बैटिंग कैसी लगी? बहुत मारा बहुत मैं बहुत मारा मैंने कितने रन मारे मेरे को तो नहीं मारे भाई एक बात हो रही कहाँ मेरे को मारा अरे वो तो छोड़ दिया यार अबे छक्का मारा भाई। हाँ भाई क्या बात पहला बॉल पहला नहीं पहली बॉल पे दुक्की मारी थी चौथी या पांचवी या छठी बॉल पे मारा भाई मेरे को नहीं मारा ये सब फिर पता नहीं ये सब एआई है भाई ये सब एआई है और, मेरे को और नहीं अगर नहीं मारा तो एआई करके मारा हो दिखा देगा भाई जिस एडिटर मैंने देखो दो छक्के मारे थे एक चौका मारा था दो तीन दुग्गियां मारी थी स्टीव स्मिथ ने कैच कर लिया भाई। अच्छा मेरे को तो लगा ही नहीं कैच होगा स्टीव स्मिथ को क्या जरूरत है मेरी कैच देखो भाई डाउनफॉल हो गया मेरा या स्टीव स्मिथ मुझे ले रहे यार कहीं ऐसे तुम्हें लगता है तुम स्कोर बना लोगे भाई अगर मैं गया तो चांसेस है अबे जाना अब तो मैं अबे जाना बहुत अच्छी बॉल थी चपटी मैंने भी श्रीशांत को देखा अंडर आर्म डालते हो भाई ओवर आर्म भी इतनी तेज नहीं आती हमारी तो नीचे से डाल रहे बॉडी देखियो बेस्ट लास्ट है। तो गाइस अब हमारी फर्स्ट बैटिंग हो गई मुझे नहीं पता मैंने कितने रन मारे हैं मैं पूछता हूं भाई एक बात बताओ मैंने कितने रन मारे मैंने अरे तुमने बख्शे नहीं सामने वाले को मैंने मारा क्या 100 से 70 रन पीछे रह गए थे चलो 100 से 70 रन पीछे रह गए। सब हम अपना बैटिंग रिव्यू लेने जा रहे हैं और सामने हमारे इरफान सर है। हेलो इरफान सर हाउ आर यू मेरी बैटिंग देखी आपने बहुत बढ़िया देखी ना मैंने अच्छी लगी बहुत अच्छी 10 में से कितने स्कोर दोगे आप मेरी बैटिंग को? यार तेरे सामने वाला ना ज्यादा अच्छे बैटिंग कर रहा था ज्यादा नंबर तो वो ले जाएगा ये सही बात है मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने वाले ज्यादा अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इसलिए मेरे फिर भी 10 में से नंबर तो मिलेंगे ना तुझे 5-6 तो मिल जाएंगे। चलो इतना भी बहुत है पहली अच्छा मैंने पता दिक्कत शुगर करके नेगेटिव नहीं है मैं आपको बताता हूँ पता दिक्कत क्या थी मैं को सीधा ओपनिंग करवा दिया सारे डर रहे थे फेस करने से मैंने कहा मैं चला जाता हूँ वो प्रेशर बिल्डअप से मुश्किल होगा तो हिम्मत के मैं तुझे और 2 पॉइंट दे रहा हूँ। हाँ ये ठीक है अब मेरे 7 पॉइंट हो गए अब आपका बॉलिंग करोगे मेरे को नेक्स्ट इनिंग 7 पॉइंट अगर तूने ले लिए तो फिर तेरे सामने बॉलिंग करने का मतलब ही नहीं है फिर छोड़ दे जाना दे नहीं मैं आपको एक बॉल पे छक्का मारना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है मैं जब आप नेक्स्ट इनिंग में आप आओगे ना तो इजीली बॉल डाल बीमर से ना बीमर से सर बचा के रखे अगर तुमने अभी ये बोल दिया कैमरे में अब तू सर बचा के रखे ना तुझे सर पे लगे तो देख ले ओ भाई मेरे को बचना पड़ेगा बट यस गाइस आईपीएल आ रहा है स्टार पे और आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच सर इरफान सर थैंक यू सो मच नाइस टू मीट यू। भाई देखो अपन ने बैट पकड़ा था 8 महीने पहले इससे अब हमने बैटिंग नहीं करी थी इससे पहले अगर आपसे तो बहुत अच्छा खेले हाँ अगर अब मैं रेगुलर खेलने लग जाऊँ तो फिर हर बॉल पे छक्का चौका है। यहाँ पर मुरली सर खेल रहे हैं और लेफ्ट हैंड से चौका और हिट विकेट। इस वक्त अब हमें मुरली विजय सर के साथ सर हाउ आर यू? आई एम गुड थैंक यू सर यू वॉच माय बैटिंग वाज इट अप टू द मार्क? The opener, I cannot be more than happy than this. He gave a good start for us. I realized that like opening is much more tougher than like coming first down and second down. Like say it out loud there, bro, for the audience. It is tough. Everyone needs to believe ki bhai actually main opening karna bahut zyada like it's a pressure wali situation because you don't know how people are gonna bowl. So first 2-3 deliveries for me they were like so tough. I was like. I think, yeah, exactly. I was like, I should go back. I wouldn't be able to play. But the next ball, I gave him a strike. So, मेरे को ये चीज़ realize हुआ that I have realized this thing that for openers, it's best to give strike. Like take singles and put somebody else. If you get a good ball, if you get a single, then it's good. Yeah, it's fun, man. It's special. Enjoying this time with you all. तो भाई मैंने बहुत रन मारे पर मेरे से आगे वालों ने बहुत ज्यादा रन मारे और मेरी कैच शिव स्मिथ ने ली तो और अब हम जाएगा सेकेंड डाउन में और लेट्स सी व्हाट हैपेंस लेट्स गो।
फाइनली हम जीत गए और थकेश एक ट्रॉफी हार गया भाई। मैं ये बैट से खेल रहा था, इसका हार गया। तू हार गया ट्रॉफी फिर से, याद रखियो भाई, भाई है। अब दोनों बाजर भाई, भाई है आज यूजर्स। अब हम दोनों बाजर, आज मैं जीता हूं बेटे, विनर फाइनली। अरे वेल प्लेड सर, अरे भाई के छक्के भाई, अब मेरे को लगता रेगुलर खेलना पड़ेगा। कांग्रेचुलेशन सर, वेल डन, वी फाइनली वन अ ट्रॉफी, लेट्स गो। वेल प्लेड भी है, वेल प्लेड। थैंक यू भाई। क्या कह रहा था तू? मैं कुछ नहीं, सॉरी। तो कहा था तूने भाई, कैसे खेला? हां भाई, खेला था। अगर हार जाओगे तब बात करेंगे भाई। मुंह छुपा ले। भाई ने बहुत छक्के मारे, बहुत मजा आया, और मैंने बहुत अच्छी करी, और मैंने बॉलिंग में बहुत रन खाए। भाई ने पहले ओवर में लगाया कि आज हरवाया। मैंने आज पहला मैच इंटरेस्टिंग बना, यार इन्होंने पीछे से बोला था मैच इंटरेस्टिंग बनाना, रन खा लो, ये मैंने रन खा लिए। वो तो वैसे ही येलो टीम हार्ड नहीं है, मतलब हो गया जो भी है, मजा आया बहुत। फन पहली ट्रॉफी जीत गया तू, मुबारक। मैंने लास्ट ओवर से पहले बच्ची बाजी को बोला, बाजी प्लीज मुझे ट्रॉफी जितवा देना, मैं आज तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीता। अब शुरुआत हो गई है, तेरी पहली ट्रॉफी आ गई, उसके बाद लाइन लग जाएगी बाजी। आशीर्वाद पाजी, बहुत सारा प्यार, बस ऐसे ही, बस ऐसे ही, अब जीतते रहना है, लेट्स गो। फाइनली हम ट्रॉफी जीत गए और बहुत अच्छा लग रहा है ट्रॉफी जीत के, और हमने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करा, एक इनिंग्स अच्छी खेली, ओवर बहुत बेकार करा, और बहुत ज्यादा चिल्लम चिल्ली करी, स्लेजिंग करी है। आई थिंक मेरी स्लेजिंग ने मैच जितवाया है, क्या कहते हो? स्लेज नहीं करता तो ये मैच हार जाता, बट IPL ऑन स्टार स्पोर्ट्स, एंड IPL जरूर देखना स्टार स्पोर्ट्स पे, प्लस भाई हमारा मैच जरूर देखना। तुम्हारे भाई ने इसको छक्का मारा है, उसमें तो भाई 3 घंटे से सुना रहा है, पर एक ये देखना तूने एक भी नहीं मारा। किसने? मैंने एक बज्जी को तो मारा था। चल ठीक है, बज्जी को मारा मैंने, तूने तो मेरे को मारा। मैंने स्टीव स्मिथ को मारा है। किसको? स्टीव स्मिथ को छक्का। अरे स्टीव स्मिथ तो अभी बॉलर नहीं है, वो बैट्समैन है। वो भाई उसका करियर शुरू ही बॉलिंग से हुआ था, अगर किसी को नहीं पता। इसको क्रिकेट का नॉलेज था कम है ना गाइस, भाई पता है। बता, राइट ऑफ स्पिनर या लेग स्पिनर? ऑफ स्पिनर है, लेग स्पिनर था भाई। स्टीव स्मिथ पूछा जाके भाई, मैंने देखा उसको स्टार्टिंग से खेलते हुए, वो सबसे पहले बैटिंग करता था 9th राउंड, और सिर्फ स्पिन करता था, और फिर वो नंबर 1 बैट्समैन बन गया ऑस्ट्रेलिया का भी और फिर वर्ल्ड का भी। सबसे पहले आप आइए, पधारिए, मम्मी के नए डिंपल्स किचन में स्वागत है गाइस। मैं आ गया हूँ, देखो आज ड्राइंग रूम में किचन है, तो मैं रेस्टोरेंट में बैठ चुका हूँ। हाँ जी, अभी आपको खाना सर्व होगा। लाइए जी, लाइए। ओके, सब्जी हमारी बन चुकी है, बस रोटी बनानी है, हमने चपाती बनानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चेन्नई में हमें 10 दिन लग गए, अभी मैं ऊपर आई हूँ, आपको दिखाती हूँ अपने पौधों का हाल। 10 दिन में पौधे एकदम ख़त्म, बिल्कुल जल चुके हैं। तुलसी, इतनी अच्छी तुलसी थी जब हम गए थे, ये देखो तुलसी का हाल। ये करी पत्ता, मेरे पास 2 पौधे हैं करी पत्ते के, दोनों ही जल गए। ये देखो दूसरा भी, रोज, ये सारे रोज जल गए। ये देखो गुलाब के पेड़, जाने से पहले इतने सुंदर फूल आ रहे थे इन पे, लेकिन मुझे क्या पता था हमें 10 दिन लग जाएंगे। पर मुझे ऐसा कुछ पता होता ना कि हेल्थ कैंप हमारा एक्सटेंड हो जाएगा, तो मैं किसी ना किसी की ड्यूटी लगा के जाती कि भाई मेरे पौधों में पानी डाल देना। बाई गॉड, इतना देख के दिल में दर्द हो रहा है, सारे सूख चुके हैं, सड़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा दुख मेरे को हो रहा है तुलसी का, और नींबू, उसमें नींबू आने का सीज़न था, नींबू का पौधा मेरा एकदम ख़त्म। भाई जाने से पहले मैंने इतना पानी डाल दिया था कि 4 दिन के लिए सफिशेंट था, लेकिन ये देखो इस पे इतने सुंदर फूल आ रहे थे। ये नींबू का पेड़ जल ही गया बिल्कुल, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मेरे को भाई गॉड। जैसे होता है ना कि बच्चा बीमार होता है तो पेरेंट्स को बड़ा दुख लगता है, वैसे ही मेरे को दुख लग रहा है, ये तो मेरे बच्चों की तरह मैं केयर करती हूँ। ये तीसरा मेरा करी पत्ता, इतने प्यारे प्यारे पत्ते आए थे इन पे, सब ख़त्म हो गया। बट एनीवेज,
जो भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। अगर हम नहीं जाते हेल्थ कैंप तो मलन साहब की प्रॉब्लम का पता ही नहीं चलता, क्योंकि यहाँ रह के तो वो डॉक्टर के पास जाने से रहे, किसी का कहना नहीं मानते। ये तो थैंक्स टू अभिषेक जो जबरदस्ती लेके गया, भाई गॉड भगवान उसको लंबी उम्र दे, टच वुड। इश्क़ चेचना